ये है कामगारों की बस्ती धामपुर। कभी यहाँ सिर्फ एक छोटा सा गांव था, लेकिन जब से इसके पास सूती कपड़ा बनाने की मिल खुली है, ये गांव कामगारों की बस्ती में बदल गया है। और ये है चंदूलाल, इस मकान के मालिक। इन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि बीवी को खिलाना पहनाना पड़ेगा। जिस कमीज को ये सिल रहे हैं, वो 3 साल से पहन रहे हैं। इसी मकान का एक भाग इन्होंने कपड़ा मिल के फोरमैन दयाराम को हाल ही में किराए पर दिया है। दयाराम शाहजहांपुर का रहने वाला है। 2 महीने पहले वहीं की एक लड़की राधिका से इसकी शादी हुई है। अब मकान मिल गया है तो कुछ दिन पहले ही राधिका को लेकर यहाँ पर आया है। सवेरे 5 बजे के गए अब लौटे हो। आज तो तुम जल्दी आने वाले थे। अरे क्या जल्दी आता, वो खड़ूस सुपरवाइजर है ना मक्खनलाल, उसने इन छुट्टी के वक्त काम बता दिया। अच्छा अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गरम करती हूँ। आज जल्दी आ गए दयाराम। अरे जल्दी कहाँ आया चंदूलाल, सवेरे 5 बजे से ड्यूटी थी, 1 बजे के बजाय 3 बजे छुट्टी मिली। 2 घंटे का ओवरटाइम बनाया होगा, इस महीने कितना ओवरटाइम बन गया? चंदू भाई अभी तो अपना पेट ओवरटाइम मांग रहा है, जरा खाना खा लूं। तो आज खाने में क्या बना है? इस चंदूलाल के पास बात करने के लिए सिर्फ 2 ही विषय होते हैं, कौन कितना कमाता है और किसके घर में खाने को क्या पका है। लालच कंजूस तरीका। छोड़ोगे? उसकी बातों का क्या बुरा मानना, उसकी तो आदत ये सब कहने की है। इस कान से सुना उस कान से निकाल दो, चलो खाना खाओ। तुम तो जरा जरा सी बात पर झुझरा जाते हो, जरा मेरी सोचो। दिन भर इस कमरे में अकेली रहती हूँ, रेडियो कितना सुनूं, मैगजीन पे कितना पढ़ूं, मन नहीं लगता मेरे यहाँ। अभी सब कुछ नया है ना, पास पड़ोस की औरतों से जान पहचान कर लो। आज वो सामने वाली आई थी चिट्ठी लिखवाने, मुझे देख कर बड़ा अजीब लगा। उसे देख के भला कौन कहेगा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अपने पति को चिट्ठी लिखवा रही थी और इतना शर्मा रही थी कि पूछो मत। और जानते हो क्या लिखवाया उसने? लिखवाया कि उसमें लाल साड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए लाल साड़ी लेकर आना। तब तो जरूर उसका नाम लाली होगा। नहीं, नाम तो बहुत अच्छा है मालती। एक बात बताऊं, आसपास के सभी औरतें ये समझती हैं कि मैं बीए में पास हूँ, पर उन्हें क्या मालूम कि राधिका ने हायर सेकेंडरी के बाद पढ़ाई का सपना ही दफन कर दिया। उदास मत हो राधिका, हम जल्दी ही किसी दूसरे शहर में चले जहाँ तुम आगे की पढ़ाई पूरी कर सको, लेकिन तब तक जो कुछ है जैसा भी है सहना तो पड़ेगा ना। क्यों नहीं, तुम चाहोगे तो मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर लूंगी, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता हम किसी और बस्ती में घर ले लें? देखो राधिका, हम मकान पर 300 से ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकते, और इतने किराए में सिर्फ इसी बस्ती में मकान मिल सकता है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं परेशानी तो नहीं है, पर माहौल अच्छा नहीं है,
मालती कह रही थी शाम के बाद इस बस्ती में बाहर के लोग आने से डरते हैं। अरे तो हमें क्या लेना देना। देखो भाई अपना तो एक ही उसूल है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। हाँ ये परेशानी तो है कि बाथरूम बाहर बनाया है, हाथ धोने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। वैसे ये काम भी चंदूलाल ने कुछ सोच समझ कर किया होगा। जरूर ये परेशानी तो बहुत बड़ी परेशानी है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मालिया। चला बैठाई पे चंदू भाई। नमस्कार। नमस्कार चंदू भाई। अरे कहाँ थे इतने दिन तुम? अरे मत पूछो चंदू भाई, एक लफड़ा हो गया था। अरे इस रघु को तो आप जानते हो, दारू पी लेता है तो क्या करना है क्या नहीं इसको कोई ख्याल नहीं रहता। चंदू भाई तुम इसकी बात पर यकीन मत करना, मैंने तो एक हफ्ते से दारू को हाथ तक नहीं लगाया। अबे तू लगा था कहाँ से, एक हफ्ते से हवालात की हवा खा रहा है। अरे अरे झगड़ा मत करो, माल लायो। चंदू भाई एक जंजीर लेकर आया, एकदम खरा सोना है। अरे चंदू भी तो खरे नोर देता है। ये लो जांच लो। रुको यहाँ नहीं, धंधे की बात यहाँ नहीं करनी। कोई लफड़ा तो नहीं होगा मेरे साथ? अरे चिंता मत करो। माल कहाँ का है पहले बता। सलामतपुर के रेलवे स्टेशन पर एक औरत के गले से छीना है। तो ठीक है। चलो चलो चलो। आती जाती नहीं, हमने सोचा हम ही तुमसे मिलाएं। हाँ मेरा आना जाना थोड़ा कम ही होता है, सब्जी लेने जाती हूँ, राशन की दुकान जाती हूँ और बहुत जरूरत हुई तो स्टोर चली जाती हूँ बस। हमें तो अभी भी आते हुए शर्म आ रही थी। क्यों? मैं अभी कमली से यही कह रही थी कि तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता है, तुम हमारी तरह अंगूठा छाप थोड़ी हो। मालती राधिका बहन हमारी जिंदगी में क्या है, दो समय की रोटी बनाना, बच्चे पालना और रात को मर्द के लात घूसे खाना। अगर हम पढ़ लिख भी लेते तो क्या था, करना तो हमें यही सब था ना। कमली ऐसा क्यों सोचती हूँ? राधिका बहन तुम कभी बस्ती में घूमने नहीं गई ना? नहीं तो? कभी शाम को या रात को घूमने जाना तो तुम्हें तमाशे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो मर्द लोग है ना ये शाम को शराब पी के अपने आप को सातवें आसमान पर समझते हैं। क्या कुछ नहीं कहते। छी ये तो बहुत बुरी बात है। है तो, पर राधिका बहन हम लोग क्या करें। ये छोड़ो, ये कमली है ना। हाँ? इसको अपने भाई की चिट्ठी लिखवानी है, तुम लिख दोगी? हाँ हाँ जरूर लिख दूंगी, पर अभी तुम लोग बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं 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 बैठो ना राधिका बहन, नहीं इतने दिन बाद आई और कमली तो आज पहली बार हमारे घर आई है, इसी बहाने दो बातें हो जाएंगी। अभी लाती हूँ चाय, बैठो फिर लिख दूंगी। देखा कितनी अच्छी है राधिका बहन। अरे दयाराम भाई, ए सलाम।
तुम्हारी बीवी से मेरी बीवी ने अपने भाई को चिट्ठी लिखवाई थी। हाँ, कमली ने अपने भाई को चिट्ठी लिखवाई थी। क्यों? मुझे रुपए भेज दो, जरूरत है। अरे भाई, मैं ये पूछता हूँ कि पूछो उस साली से, क्या मैं उसे भूखा रखता हूँ जो अपने भाई से रुपए मंगाती है? तो क्या हुआ परमेश्वरी, बहन अपनी भाई से ही तो मांगेगी? अरे नहीं, क्या बात समझते हो, मैं मर्द हूँ उसका, मर्द हूँ। अरे मेरे होते वो किसी और से रुपए मंगाए, जान से मार डालूंगा। देखो, जान से मार डालूंगा मैं उसको। हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल बात करूंगा। अरे ठहरो तो, ये नहीं समझना कि मैं नशे में हूँ। देखो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दयाराम भाई, कमली के रुपए मेरे रुपए है ना, मेरे रुपए कमली के रुपए है क्या? नहीं तो फिर जब मैं दारू के लिए कमली से रुपए मांगता हूँ तो क्यों नहीं देती? देती क्यों नहीं? क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, देती क्यों नहीं मुझे बताओ तो। वो नहीं जानती, अब अगर उसने मुझे रुपए नहीं दिए ना तो। ठीक है मैं कल बात करूंगा। ओके कमली, तुझे रुपए देना पड़ेगा। दिन मैंने कहा था इस गांव के लोग कैसे हैं, सब चंदूलाल जैसे। फिर एक दिन मैंने कमली की चिट्ठी लिखी थी तो परमेश्वरी तुमसे झगड़ने लगा था, और मालूम आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव में आए थे, उन्हें कहीं से पता चला इस गांव के लोगों को पानी नहीं ठीक मिल रहा, जिससे कई बीमारियों का डर है, जैसे पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड। हाँ, जहाँ जहाँ सफाई नहीं है वहाँ ये सब तो होगा ही। इसके लिए वो खून के नमूने इकट्ठे कर रहे थे, जिससे वो जांच कर सके कौन कौन सी बीमारी की रोकथाम करनी है, कौन कौन से टीके लगवाने हैं। फिर क्या, लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि खून के व्यापारी आए हैं, कोई खून मत देना। मैंने शोरगुल सुना तो मैं बाहर गई, पता नहीं क्या सोचकर वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि वो लोग कौन है, क्या है और क्या चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें बस्ती के नेता तो नहीं समझ लिया? पता नहीं क्या समझा, बहरहाल उनकी बातों को सुनकर मैंने गाँव वालों को समझाया कि वो लोग कौन हैं और किस लिए खून चाहते हैं, तब कहीं जाकर वो लोग अपना काम कर पाए। वाह, तब तो तुमने आज लोगों पर अपनी धाक जमा दी। फिर वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, बहन जी यहाँ के घरों में तो काम हो गया, अब बस्ती के बाकी घरों में आप साथ चली चले तो काम आसान हो जाए। मैंने सोचा चलो अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो क्या बुरा है। बिल्कुल ठीक किया, इसी तरह से कुछ करती रहो तो जल्दी ही नेता बन जाओगी। मजाक छोड़ो, आज की बात से और पिछले कई दिनों से जो कुछ इस गांव में देख सुन रही हूँ मैं, उससे एक बात मन में आई है। क्या? मुझे लगता है इस गांव में खासकर औरतों में अशिक्षा की वजह से बहुत पिछड़ापन है, और इसी वजह से उन्हें मर्दों के जुल्म सहने पड़ते हैं। मुझे लगता है अगर वो पढ़ लिख जाए तो उनकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। हाँ बात तो ठीक है, पर वो अब कैसे पढ़ लिख सकती हैं? क्यों, पढ़ने की भी भला कोई उम्र होती है? अब जब मैं बी ए एम ए करूंगी उस वक्त मेरी आज की तो उम्र होगी नहीं। चलो मान ली तुम्हारी बात, पर उन्हें पढ़ाना आसान है क्या? कौन पढ़ाएगा उन्हें, और वो खुद भी पढ़ना चाहेंगी या नहीं? क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगी, इतने दिनों गांव में रहकर मैंने यही तो महसूस किया है, वो पढ़ना चाहती हैं, अपने हक के बारे में जानना चाहती हैं, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हैं। चलो ठीक है, पर ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इसलिए कि उन औरतों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ, मैं पढ़ाऊंगी उन्हें। राधिका बहन, तुम तो हम पर बेकार की मेहनत कर रही हो, हम इस उम्र में ना पढ़ सकेंगे। अरे कमली आज तो पहला दिन है, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाओगी? राधिका बहन ठीक कह रही हैं, ये हमारे भलाई की सोच रही हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। Thank you.
जयराम जी, दूध ले आए? हाँ चंदूलाल। एक बात कहनी थी। कहो। देखो भाई, मैंने अपना घर तुम्हें रहने के लिए दिया। मुफ्त तो दिया नहीं, किराया भी तो लेते हो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर अपना घर स्कूल चलाकर कमाई करने के लिए नहीं दिया। अरे स्कूल चलता है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वाह जी वाह, घर मेरा है, मेरे घर में स्कूल का धंधा चले ये नहीं हो सकता। किराया भी बढ़ा के देना पड़ेगा। देखो चंदूलाल, मैं बहुत शांति पसंद आदमी हूँ, बहस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हाँ, तुम दो बातें अच्छी तरह से जान लो। एक, राधिका सब औरतों को मुफ्त पढ़ाती है, और दो, ये भलाई का काम है इसलिए ये तो चलेगा। यह सारी आग चंदूलाल ने लगाई है, वो समझता है कि मैं उसकी धमकियों में आ जाऊंगा। अरे देखता हूँ कैसे खाली कराता है मकान। देखो झगड़े मत करना, आज दोपहर जिन लोगों से तुम बात कर रहे थे वो अच्छे लोग नहीं हैं। देखो राधिका, इस तरह डरने घबराने से कुछ ना होगा। तुमने एक नेक काम का बीड़ा उठाया है तो विरोधियों से क्या डरना, निडर होकर काम करो। मैं बिल्कुल नहीं डरती, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। अरे मुझे हाथ लगा कर तो देखें, इस बस्ती में सारे डरपोक और कमजोर लोग रहते हैं, मेरा क्या बिगाड़ने का। हिम्मत है तो अपनी बीवियों को रोक लें, ना आए वो पढ़ने। वो तो ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि गांव की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि उनके लिए पढ़ना साक्षर होना उनके हित में है। राधिका, जब हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। चलो सो जाओ, फिक्र की कोई बात नहीं। कितना विश्वास मिला है मुझे तुमसे। ए कमली, तू मेरी बीवी है, मैं जो कहूंगा तुझे मानना पड़ेगा। क्यों मानूं तेरी बात? अरे कोई गलत काम करती हूँ क्या? जा रक्षा पढ़ लूंगी तो तेरा घर सुधर जाएगा, खुद तो कुछ देता नहीं, अगर मैं कुछ करती हूँ तो इसके मर्दान की जाग जाती है। हाँ मैं मर दूं तभी मैं कहता हूँ, इस घर से अगर बाहर कदम रखा तो तेरी टांगे काट के फेंक दूंगा। अरे जा, तू क्या टांगे काट कर फेंकेगा? अब मैं भी जान गई हूँ, अब मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो जाकर गांव की सारी औरतों से कह दे ना आए वो पढ़ने। हाँ मैं तुझे वो भी करके दिखा दूंगा, समझती क्या तू अपने आप को? हमारे चार रक्षक पढ़ने इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे। नमस्ते राधिका बहन। नमस्ते। तुम लोग आ गई, मैंने तो सोचा था तुम लोग आना बंद कर दोगी। क्यों? लगता है तुमने कमली और उसके मर्द का झगड़ा सुन लिया है। वो तो है ही, पर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते तुम लोग यहाँ पढ़ने आओ। नहीं राधिका बहन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें पढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। हमें पूरा विश्वास हो गया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बस इसी विश्वास को बनाए रखना। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो है? तुमसे नहीं, दयाराम से बात कर रही है। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे नहीं कर सकते? डर लगता है क्या? डर क्या लगेगा, हम तो तुम्हें तुम्हारा कारनामा बताने आए। ये देखो देखो देखो, औरतों और लड़कियों को पढ़ाने का अंजाम। लड़कियां प्रेम पत्र लिखने लगी हैं। अच्छा? तुम पढ़ाई के नाम पर उन्हें बदचलन बना रही हो। तो मेरे केंद्र की लड़की ने प्रेम पत्र लिखा?
लिखावट तो बहुत सुंदर है। नाम क्या है? कांता। ऐसे याद तो नहीं पड़ता ये कांता है कौन। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों याद आएगा? बंद कर दो ये स्कूल। खामोश! शर्म नहीं आती तुम लोगों को मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? जिन लोगों ने अभी अक्षर लिखना सीखा है उन पे इल्जाम लगा रही हो कि वो प्रेम पत्र लिखती है, बदचलन हो रही है? ये लिखावट तो बताती है बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। ये चिट्ठी मेरे केंद्र की लड़की की लिखी हुई नहीं है। ले जाओ इसे, पकड़ो, और आगे से कभी झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। देखो, मेरे घर में ये नाटक नहीं चलने वाला। बहुत हो गया जी। चलेगा और इसी तरह से चलेगा। पढ़ना कोई पाप नहीं है, तुम में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दो। हाँ हाँ, रोक दूंगा, ये मेरा घर है। चलो भाइयों, चलो चलो। हाँ तो चंदू भाई, हमें कैसे याद किया? अरे भैया, इनका कुछ करो। अच्छा, तो इनका नाटक अभी तक चल रहा है? हाँ? अरे गांव वालों ने इनको रात को बहुत समझाया, पर इन लोगों की कुछ समझ में आता ही नहीं। अरे कुछ तो करो, बहुत कुछ हो गया। चंदूलाल, तुमने कह दिया तो समझो काम हो गया। आज के बाद इधर कोई स्कूल से स्कूल नहीं चलेगा। देखो, अरे स्कूल की तैयारियां हो रही हैं। तुम काहे को फिकर करते हो चंदू? अभी गांव की औरतें इकट्ठी होने शुरू हो जाएंगी हैं? अरे ये स्कूल फिर स्कूल सब बेकार का ड्रामा है इनका। चलो भैरो, आज हम भी इनको अपना नाटक दिखा ही देते हैं। आजा। चल। कौन है तुम लोग? क्या करने आए हो यहाँ? अभी पता चल जाता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाएगी, गांव की औरतों को पढ़ाएगी। अरे हमें क्या पढ़ा देगी? ये चाकू बदमाश। कौन? ये बदमाश। पढ़ा दे तो। भैरो, ओ भैरो कौन? भाग गए। ठहर जा। अरे वो असली बदमाश तो वो भागा जा रहा। ठहर जा चंदूलाल, तुझे बस्ती में नहीं रहने देंगे। लगा दो इसके घर का ताला, यहाँ पर ये रहने ना पाए। घबराओ नहीं राधिका बहन, घबराओ नहीं। अब हम इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। इन मर्दों ने हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार कर दिए हैं। अब हम अपने हक समझने लगी हैं। आप मुझे विश्वास हो रहा है? साक्षरता से जिस विश्वास को जगाना चाहती थी तुम लोगों में, उसका अंकुर फूट चुका है। चलो बहनों, थाने चलो। चंदू लाल और उसके पालतू गुंडों के खिलाफ रपट लिखवाएंगे। हाँ हाँ, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलो बहनों थाने। चलो। राधिका बहन जिंदाबाद। राधिका बहन जिंदाबाद। दयाराम भाई ने अखबार में खबर छपवा दी है। ये बहुत अच्छा किया। सुना है रघु और भैरव दोनों पकड़े गए हैं, लेकिन चंदूलाल अभी छिपता फिर रहा है। सारा षड्यंत्र तो उसी का था, उसे तो जरूर पकड़ा जाना चाहिए। वो कुछ ले देकर बचने की कोशिश कर रहा होगा। नहीं कमली, अखबार में छपने के बाद सारा मामला खुल गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, हमारी जीत तभी होगी। हाँ कमली, हमारी जीत तभी होगी। नमस्ते। नमस्कार। हमें बहुत अफसोस है, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने आपके काम में बजाय मदद करने के परेशानी खड़ी की। आप इतनी महिलाओं को शिक्षित बना रही हैं, ये तो बड़े गर्व की बात है। लेकिन हुजूर, इस चंदूलाल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हमें सारी बात मालूम है, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा।
बल्कि हमारे साथ ये शिक्षा अधिकारी भी आए हैं जो आपका केंद्र चलाने के लिए सुविधाएं देंगे। बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अपना ये मकान तुम्हें केंद्र चलाने के लिए देता हूँ। हाँ राधिका, चंदूलाल ने थाने में लिख करके माफी मांगी है और अपना घर इस केंद्र को चलाने के लिए मुफ्त देने की बात भी लिख कर दी है सर। और हाँ, हमारे विभाग की टीम जल्दी ही यहाँ आएगी, वो सारी जानकारी लेने के बाद इस केंद्र को पुस्तकें और दूसरी सारी मदद देंगी। आप इस केंद्र को इसी तरह चलाती रहें। जी जरूर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। राधिका बहन जिंदाबाद, महिला केंद्र जिंदाबाद, राधिका बहन जिंदाबाद, महिला केंद्र जिंदाबाद, राधिका बहन जिंदाबाद, महिला केंद्र। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना सीख, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना सीख, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना सीख, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना सीख। जीवन की कुंजी यही यही बात है ठीक, जीवन की कुंजी यही यही बात है ठीक। जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात।